Hey, hello everyone. Today's topic is about the hidden images. This type of the questions you can find it aptitude parts of JEE paper 2, right? NATA में ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है, इस साल तो नहीं मिला है, एक दो साल पहले ऐसा देखने को मिलते थे, but again this whole video, the motive of this whole video is about the JEE paper 2, जो कि आपका NATA से पहले है, ठीक है? उसके ऑलरेडी हम लोग तीन चार वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर वी हैव डिस्कस अबाउट द एलिवेशन प्लान्स और ये टुडेज हिडन इमेजेस। एक दो वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग अनफोल्डिंग फोल्डिंग वाले क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने की और काउंटिंग सरफेस की मैं आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और दैट्स इट, इतना काफ़ी है, ठीक है? तो जो एक क्वेश्चन है दैट इज HF001, तो इसमें करना क्या होता है, बट बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल पर, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है? तो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ डेली की। तो पहला क्वेश्चन है, पहले आप सोचो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ो, देखो डायरेक्शन क्या है। वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर इज हिडन इन द प्रॉब्लम फिगर। तो आपको क्या है कि एक ये प्रॉब्लम फिगर है, यहाँ पर उसका कुछ आंसर फिगर के अंदर हिडन फिगर दी गई है ना। वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर इज हिडन, जो ये आंसर फिगर दी गई है ये कहीं ना कहीं इनमें से एक पूरी की पूरी जो इमेज है उसमें आपको मिल जाएगी इन द सेम साइज एंड डायरेक्शन, जिसका साइज सेम है। तो मतलब अगर जो ये मान लीजिए 10 मीटर है तो ये भी कहीं पर 10 मीटर होगा, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। इट इज हैविंग द सेम साइज एंड द डायरेक्शन एज वेल, मतलब अगर जो ये है तो ये आपको ऐसा ही चाहिए, ये नहीं कि सर तिरछा हो गया तो ये चलेगा नहीं चलेगा, नहीं। वी नीड टू फाइंड आउट दैट इज हैविंग द सेम साइज एंड द डायरेक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट वन। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, क्योंकि टेक्निक नहीं पता है। टेक्निक बहुत सिंपल है, देखो आपको इसमें क्या करना है, पहले तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लो जो आपको लगता है कि पहले आप चूज करो यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑप्शन है ये सही है, लेट्स से। तो मैं क्या करूँगा, उसको ट्राई करता हूँ, कुछ मिलता है क्या, मिलता जुलता देखते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। तो लेट्स से हम लोग ये लेकर चलते हैं कि जो ये वाला फिग ये मान कर चलते हैं, ये वाला ये है, तो आप क्या काम करो उसको चेक करो कि जो ये वाली लाइन है ये सिमिलर है लगभग, हाँ ठीक है। फिर ये वाली जो लाइन है ये सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इट इज अ स्ट्रेट वन और यहाँ पर आप देखें कर्व है ये, तो उसका मतलब क्या है, इसको लिमिट कर दो। अब आपके पास चार ऑप्शन थे, नाउ ये यू आर हैविंग ओनली 3 ऑप्शन, नाउ वर्कआउट फॉर इट। यहाँ पर इसको देखते हैं, ये कहीं पर है क्या, तो मुझे ऐसा कहीं देखने को नहीं लग रहा है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दी गई है। तो आप देखो कि कोई ऐसी लाइन है, ये लाइन हो सकती है जिसके आसपास मिल जाएगा आपको, ये लाइन पर नहीं मिलेगा, या फिर इस वाली लाइन पर मिल जाएगा आपको, या इस वाली लाइन पर मिल जाएगा। तो देखते हैं इस वाली लाइन पर कुछ ऐसा मिल रहा है, नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ये वाला इसको, तो आपको कहीं पर मिल रहा है क्योंकि सेम डायरेक्शन में चाहिए आपको, है ना। अगर तो आपकी कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन हो सकती है और एक ये वाली लाइन हो सकती है। तो यहाँ पर देखो ये वाला है क्या, कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नहीं है। ये वाला भी हटा देते हैं, फिर हम ये वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको देख कर लग रहा होगा कि यहाँ पर एक कर्व जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, किसी कर्व इस साइड ही होगा, इधर तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखो किस वाला लाइन के आसपास कहीं होना चाहिए, तो अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ये वाला लाइन ठीक आ गई, ये वाली मैच हो गई, ठीक है जी, ये वाली लाइन हमारी मैच हो गई। फिर हम देखते हैं कि लाइन सीधी गई है, यस ओके सीधा है। फिर आपको वी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पर वी लाइक स्ट्रक्चर है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ट्रायंगल बन रहा है इस तरह का, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, यस ट्रायंगल भी बन रहा है। फिर यहाँ पर ये इस तरह का, तो आपको ये तीनों चीज़ें पांचों चीज़ें जो भी आपने देखी हैं जो पॉइंट्स हैं उनको मैच करके देखना, यस हमें एक चीज़ मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ फॉर योर प्रैक्टिस, ये सारे के सारे बी सी डी जितने भी हैं ये इसी फिगर से मैंने उठाए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो ये वाला पार्ट है वो ये वाला है, यहाँ पर जो ये बी है वो आपको मिलेगा इस वाले पार्ट के अंदर, ये यहाँ पर और ये इस तरह से, ये वाला गलती कहाँ पर है, क्योंकि बस इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो हमने अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करना तो आप ये देखो कि जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये वाला जो पार्ट है वो ये है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, डायरेक्शन में। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए डू वन थिंग, ये पहले तो सही फाइनल करो और आप उनको सबको चूज करने की कोशिश करो कि ये वाला कहाँ पर आ रहा है, इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाउ डू यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 HF002। तो इसका भी आपको देखना है,
इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, जो ये वाली जो लाइन है आप इसको कंसिडर करेंगे इस तरह से, लाइक मैं इसको और छोटा बनाया था आपके लिए, यू विल कंसिडर लाइक दिस, इस तरीके से ये कर्व है ऐसा। अब देख कर ट्राई करो। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको मैं क्यों बोला है, क्योंकि यही फिगर सही है इसकी। तो आप यहाँ पर एक नोटिस करेंगे, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये मैच हो गया। कैसा हो गया? देखो यहाँ पर एक कर्व है, यस यहाँ पर भी कर्व है, फिर एक आपको इस तरह से कर्व देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी देखने को कर्व मिला है, गुड। फिर आपको देखेंगे थोड़ा सा कर्व ऐसा जा रहा है, यस यहाँ पर भी ऐसा जा रहा है। फिर आप देखेंगे ये कर्व इधर की तरफ है, यस ये भी कर्व, सीधी होगी तो गलत हो जाएगा, और ये भी एक लाइन में कर्व आ रहा है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। तो बी के अंदर भी आप इसको नोट करो, ठीक है, सर्च करने की कोशिश करो कहाँ से हमने ये चीज उठाई हुई है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो प्रैक्टिस तो करनी है अपने को। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है? ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है, ये वाला, ये वाला, ये चीज तो आई है, गलत क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन हमारी इसकी सही नहीं है। तो आप इसको मैच करो, देखो कैसे मैच करेंगे। यहाँ पर एक कर्व आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ पर एक कर्व आ रहा है, फिर ये इस तरह से दो कर्व आ रहे हैं, यहाँ पर भी दो कर्व आ रहे हैं, फिर एक कर्व इस तरह से आया है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक लाइन सीधी जा रही है, यस स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक। तो ये भी है, ऐसे आप सारे मैच करो, आपको टाइम लगेगा लेकिन इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको काफी कुछ फायदा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 15 क्वेश्चन तक ही करेंगे, लेकिन वीडियो पॉज करो, ट्राई करो करने की, और फिर चेक करो कि कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा लग रहा है? आई कंसिडर की जो ये वाला ही ऑप्शन है, ये साइज के बारे में बता रहा हूँ आपसे मैं, साइज एक्चुअली प्रोपोर्शन के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम मोबाइल फोन में वीडियो देखते हैं तो छोटे दिखाई देते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, एग्जाम के अंदर आपको सेम साइज मिलेगा। लेकिन अभी क्या करो, आप उसका डायरेक्शन चेक करो और उसकी जो ये सब चेक करना है। तो यहाँ पर ये लाइन आई है, ये वाला पार्ट है, ये है, ये है, ये है, यस। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन सीधी गई है, तो यहाँ पर एक हल्का सा कर्व देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक छोटा सा कर्व है बिल्कुल, फिर आपको एक अपोजिट कर्व देखने को मिल रहा है, यस यहाँ पर भी कर्व जा रहा है, फिर आपको एक कर्व और देखने को मिला बिल्कुल इसके लगभग बराबर है, फिर यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो आपको ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ये कहाँ पर है? तो आई कंसिडर की जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से उठाया हमने सिर्फ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। तो फोर का ऑप्शन क्या है, चेक करो। ये यहाँ पर वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं, आई थिंक मैं भी चेक कर रहा हूँ आपके साथ ही। ये यहाँ पर नहीं है, ये वाला सी है, ये वाला ऑप्शन आ गया, ये जो है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। मैच कर लेते हैं। तो आप ये वाला कर्व है, ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, फिर ये ऐसा जा रहा है, नहीं ये भी नहीं है, देखा, क्योंकि एक पॉइंट पकड़ करोगे तो समझ में जाएगा, मुझसे भी गलती हो गई है, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ये कर्व ऐसा जा रहा है, जबकि यहाँ पर तो अपोजिट है, तो ये उसका मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा है? ये बच्चों है, ये वाला, ये तो नहीं है ना, ये भी नहीं है यार, तो उसका मतलब फिर बी होगा, बी का भी तो कौन सा है? डी, डी, डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आ गया, देखो इसको मैच करो, ये लाइन यहाँ पर गई है, ये लाइन यहाँ पर गई, ये थोड़ा सीधा आएगा पॉइंट। तो देखो आप क्वेश्चन के अंदर भी हल्का सा आप थोड़ा नोट करेंगे, तो यहाँ पर एक लाइन सीधी जा रही है, ठीक है, यहाँ से आ गया ये वाला, फिर इस तरह की तरफ आ जाएगा, फिर ये इधर की तरफ गया, फिर आपको ये ऐसा इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और फिर ऐसे, ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा फिल हो गया। सो क्वेश्चन नंबर फोर का जो सही ऑप्शन है इट इज डी। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। आई थिंक ये तो काफी इजी तरीके से दिख रहा है अपने को, ये तो मैं डायरेक्टली चेक कर पा रहा हूँ, ये है सी, ये वाला पार्ट यहाँ से आया, फिर ये यहाँ पर गया है, तो ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया है, फिर ये यहाँ पर है, यस ट्रू, यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप इसको, अब इसको मैच करना हो, ये वाला पार्ट कहाँ पर है? ये पार्ट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, और कहीं इस तरीके से, है ना। तो ये जो लाइन है ये यहाँ पर आ गई वाली लाइन, और जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर है, और जो ये वाली लाइन है ये वाला आ गया। सेम चीज आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, इनको
वीडियो पोस्ट करो और ये डाउनलोड कर लेना पीडीएफ यार, वहां पर देख लेना ठीक है। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज़ ऐसी है कि एक बार आपको टेक्निक समझ में आ गई, आपका माइंड रिकॉग्नाइज करने लगा, तो आपसे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। रादर देन फोकसिंग ऑन जीके, इट इज़ मोर इजी टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, तो 6 को देखते हैं कौन सा है। वेरी सिंपल, मैं इसको समझ पा रहा हूँ क्योंकि सेम लाइन होनी चाहिए। अब देखो कितना सिंपल है, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री पर कहाँ बनेगा आपको, कुछ ऐसे लाइन है ही नहीं, अंदर तो कर्व है, यहाँ तो हो नहीं सकता है, तो हमेशा एजिस पर ही होगा, खत्म। तो आपने ये वाला यहाँ से पकड़ा, ये पार्ट यहाँ से पकड़ा, दिस इज लाइक दिस, फिर आपने ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है एंड लाइक दिस, फिर ये पार्ट यहाँ पर और ये इधर की तरफ, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो 7 का सही ऑप्शन क्या मिलेगा आपको देखने के लिए। आई थिंक ये लाइन ऊपर से देखो, यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कर्व आ गया है और यहाँ पर तो अपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब सी तो नहीं हो सकता है, सी को लिमिट कर देते हैं। डी का जो एक एजेस निकली हुई है, इसका मतलब ये कौन हो सकता है, ये तो कहीं तक भी नहीं है, तो बी और सी और डी दोनों एलिमिनेट हो गए। नाउ विद रेस्ट विद ऑप्शन ए और बी, तो हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा है। नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि ऊपर ये कर्व आ रहा है ना, इस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाली लाइन पर नहीं हो सकता है। इस वाली लाइन पर हो सकता है क्या? हाँ, इस वाली लाइन पर होगा, ये तो ये लाइन नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब ए सही होना चाहिए। ये कहाँ पर है? यस, ए आपको मिल जाएगा, ये पार्ट यहाँ पर आया, ये वाला पार्ट, फिर आपको कर्व आ रहा है, ये वाला यहाँ से कर्व आ गया है, फिर आपको ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर, फिर ये वाला इस तरह की तरफ, फिर आपको ये है, ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, फिर आपको इस तरीके से डायरेक्ट और ये इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करके देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। देखो पहले ये कोना पकड़ो, यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि जो ये एजेस निकली हुई है सिर्फ ये कहीं ना कहीं इसी के आसपास हो सकती है, अगर सही ऑप्शन है तो आपको देख कर लग गया होगा कि ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर अपने कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी नहीं है, बचा ऑप्शन डी का, तो डी का चेक कर लेते हैं कहीं, क्योंकि ये तो आ सकता है वैसे, नहीं ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली ये यहाँ पर भी हो सकता है शायद, ये वाला पार्ट है ना यहाँ पर। ये टेक्निक तभी काम करेगी जब आपके ऊपर स्क्वायर हो और अंदर कर्वलिनियर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर्स हो, क्योंकि यहाँ पर तो ये कोना तो कहीं भी निकल का सकता है ना, ये वाला भी आ सकता है, तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन चेक करते हैं मेरे हिसाब से। मेरा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन, ये लाइन यहाँ गई है सीधी, तो ये सीधा गया, फिर ये यहाँ पर, यहाँ पर, फिर इधर की तरफ, ये इधर, फिर ये सीधा, ये आपका पार्ट यहाँ पर आ गया, फिर सेम नीचे ये वाला पार्ट आ गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी अभी चेक करना चाहो ये भी चेक कर सकते हो, तो ये कहीं से कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है इधर, बस को रोटेट कर दिया गया है, तो ये वाला पार्ट ये निकल का आया है, इसका भी निकालना चाहेंगे तो ये कहाँ पर निकलेगा देख लेना, या फिर ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 आई लीव इट फॉर यू, आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन बताओ क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा सही है, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है देखने में, तो ये जो कहीं निकला हुआ है कि इधर प्रॉब्लम पॉइंट, ये वाली पॉइंट, तो ये हो सकता है, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला सपाट निकला हुआ है, ये भी नहीं है, ये जो ये वाला है, ये लाइन ये वाली है, फिगर तो सेम है लेकिन ये इसकी डायरेक्शन गलत हो गई है, तो हम लोग ए को नहीं चूज ले सकते हैं, इसको ट्राई करते हैं। बी, बी का ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है, फिर जो ये वाला पार्ट इस तरह से यहाँ पर आ गया है, फिर ये इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये वाला,
ये तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो कौन सी लाइन हो सकती है, या तो इस वाली लाइन इस एजिस पर हो सकता है या फिर इस वाली एजिस पर हो सकता है, तो मिलाकर देख लो ये वाली लाइन पर आपका आ गया। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा हो सकता है, या तो इस कोने पर हो सकता है और कोई लाइन सीधी है ही नहीं इसमें, तो सिर्फ यही लाइन बन सकती है, तो यहाँ पर तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ये नहीं है। ये है ऑफ कोर्स, कहाँ पर है ये, कहीं इधर की तरफ होगा, ये वाला पार्ट है देखो ये, लेकिन हमें सेम डायरेक्शन और सेम साइज में चाहिए, तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप कर सकते हैं। अगर फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो 11 का सही ऑप्शन क्या है चेक कर लेते हैं। सीधी लाइन ऐसा कुछ आ रही है, ये वाली लाइन है, तो कोई लाइन ऐसा इस तरह से जा रही है 90 डिग्री के आसपास, ऐसा तो कोई भी लाइन नहीं दिख रही है अपने, तो ये तो नहीं हो सकता है। बी का चेक करते हैं, ये कुछ इस तरह से लाइन 90 डिग्री के पास, तो या तो ये वाला हो सकता है, लेकिन ये पूरा 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो ऐसे तो कोई लाइन है, वर्टिकल लाइन भी नहीं दिखाई दे रही है ऐसे ना, तो हम बी को भी नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइन है ये कहाँ पर आ रही है, तो उसका मतलब है कोई लाइन बड़ी लाइन ऐसे कुछ जानी चाहिए, तो ये नहीं हो सकती है, या तो इस लाइन के ऊपर होगा या फिर इस लाइन के ऊपर। हाँ ये तो रहा, ये लाइन आपको ये वाली मिल गई। ठीक है, तो आपकी जो ये वाला लाइन है आपके वो सही मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का चेक करते हैं। ये लाइन इस तरह से है, कहीं कुछ ऐसी कोई लाइन यहाँ पर हो सकता है, ये और ये, और नहीं ये नहीं है, एक्चुअली ये वाला पार्ट बनाया हुआ है नहीं है। बी को अगर हम ये वाली चेक करते हैं, तो ये कोई सी लाइन इस वाली लाइन पर हो सकता है, क्योंकि वर्टिकल लाइन यही है इतनी, तो ये यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, सी चेक करते हैं, सी का तो कोने पर ये है कि बिल्कुल ये वाला पार्ट आया हुआ है, तो ये वाला इस कहाँ पर मिलेगा आपको, ये वाला मिल जाएगा यहाँ से, ये वाली लाइन मिल जाएगी, लेकिन ये नीचे है तो ये नहीं है, ये वाला लाइन पर वैसे नहीं मिल रहा है यहाँ पर कुछ, ये जो लाइन है आपकी ये वाली लाइन है, ये वाला लाइन हो सकती है वर्टिकल, और तो कोई नहीं है ना इतनी बड़ी लाइन, ये भी हो सकती है नहीं, ये भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी नहीं है, इसका मतलब आपको डी होना चाहिए। डी के लिए क्या है, ये लाइन पूरी सीधी स्ट्रेट है, तो या तो इस वाली लाइन के आसपास होगा या फिर इस वाली लाइन पर होगा, या फिर इस वाली लाइन पर है या फिर इस ये दो इस वाली लाइन पर। यस ट्रू। ठीक है, ये फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, 13 का भी चेक करते हैं। देखो ये जो लाइन है इस तरह से आ रही है, तो अपनी कोई लाइन देखने को मिल रही है क्या, यस ये लाइन आपने को मिल सकती है, ये वाली मिल सकती है, यहाँ पर देखो कहीं मिल रहा है क्या, ये ठीक है नहीं छोटा है, और ये एक्चुअली सीधा भी नहीं है, ये लाइन ऐसे नहीं है अपने, तो ये नहीं है, ये वाली लाइन के ऊपर भी नहीं, यहाँ पर है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर ये तो नहीं है, बी का चेक करते हैं, कोई लाइन इस तरह से जा रही है क्या, इसी एंगल पर ये लाइन जा रही है, तो ये नहीं, ये नहीं है, नहीं है, ये भी हटाओ। फिर सी को देखते हैं, ये लाइन तरफ तो जाती हुई, तो ये लाइन ये हो सकती है, कोई यही लाइन होनी चाहिए, तो नहीं है ये वाला, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो उसका मतलब ये लाइन हो सकती है, ये वाला एज हो सकता है, ये वाला एज भी, ये तो नहीं होगा, 90 डिग्री पर नहीं है, और कोई हो सकता है क्या, ये वाला तो बस हो सकता है, नहीं है, कौन सा रहेगा यार फिर इसमें 13 का, तो मुझे भी नहीं मिल रहा है, नहीं। नहीं। बी बी विल बी द राइट ऑप्शन, कैसा देखो बी, ये वाला पार्ट ही पूरा मैच हो गया, बी विल बी द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर इज हिडन इन द प्रॉब्लम फिगर इन द सेम साइज एंड डायरेक्शन लाइक द करेक्ट वन। तो अगर आप इसको देखेंगे, सिंपल ये वाला पार्ट देखो पहले, एजिस वाला। तो यहाँ पर कोई मिल रहा है क्या? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये लाइन यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर भी अपने को मिल तो गया। ये रहा देखो, तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट आ गया, लेकिन बीच में लाइन जा रही है तो हम उसको नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो कौन सा होगा फिर? ये वाला ये लाइन लगा गई है, तो ये नहीं है। ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखो ये गया और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये डायमंड लाइक के स्ट्रक्चर बन रहा है। अब एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर एक लाइन सीधी भी आ रही है, तो आपको यहाँ सीधी लाइन भी देखने को मिलेगी, है ना? तो ये वाला पार्ट ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था और एक क्वेश्चन मैं आपको वाला दूँ या कर दूँ? चलो छोड़ो, फिर कमेंट्स आप करते नहीं हो। तो जब तक कमेंट नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी ही। तो प्लीज़ करा करो यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं चाहता एक कोर्स निकाल सकता था छोटा सा, मुझे इनकम हो जाती, इतना मुझे यूट्यूब के थ्रू नहीं मिलता है। लेकिन फिर वही रहती है कि चलो बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है, तो थोड़ा बहुत हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके कुछ भी, हम लोग ऐसा टारगेट नहीं करते हैं कि आप 180 नंबर आ जाएंगे आपके या फिर 400 में से यू विल बिकम द टॉपर। हम नॉर्मल लेकर चलते हैं कि फ्रॉम अवर साइड, कि हमारा टारगेट ये होता है कि आपको वीडियो देखने के बाद आपका अगर एक नंबर भी ऐड होता है तो वी आर हैप्पी विद यू, कि चलो ठीक है, हमारा हमारी वजह से आपके एक नंबर, आपके जो स्कोर में एक नंबर आ गया, हम लोग उससे भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 को चेक करते हैं ये कहाँ पर आएगा। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, देखो क्या है, ये क्रॉस टाइप का बन रहा है, तो ये वाला क्रॉस यहाँ पर हो सकता है, ये नहीं है। ऊपर लाइन इतना, ठीक है, ये पार्ट ये नहीं है, और कौन सा क्रॉस बन रहा है? ये बन रहा है, ये नहीं है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, विल द राइट ऑप्शन। ये पार्ट हो गया ना, मैच हो गया अपना वाला। और भी ट्राई कर लेते हैं, कि वैसे मुझे जरूरत लगती नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेम एजेस मिल गया, सेम साइज मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी आप चाहो तो ट्राई कर लेना, अगर गलत हो सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के सामने ही सॉल्व करता हूँ। एज सच मैं भी, मुझे पता नहीं होता इनके आंसर की, ऑफकोर्स मेरे पास है इसके आंसर की भी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं, आप देखते हो सर्च करना होगा, तो ऐसे ही मैं भी ट्राई करूँ करने के लिए, आप भी सोचो जैसे मैं ट्राई करता हूँ, तो आपको भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो अभी के लिए 15 क्वेश्चन रखते हैं, और अगर मुझे लगेगा कि कुछ और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो उसकी सेकंड वीडियो बना देंगे इसी सीरीज़ की। और तब तक के लिए थैंक यू और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।